23 मई को देश की जनता के मन की बात सामने आ जाएगी। अब तक हम प्रधानमंत्री के मन की बात सुनते आए हैं और हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आए, फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश की जनता तय करती है सब। और 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो देश की जनता के मन में क्या है यह हम सबको पता चलेगा। शिवसेना की अहम भूमिका होगी? डेफिनेटली होगी। शिवसेना महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी फिगर लेकर दिल्ली में जाएगी। हम अलायंस में ज़रूर है, एनडीए के महत्वपूर्ण हम साझेदार है, ज़रूर हम चाहेंगे कि दिल्ली की राजनीति में शिवसेना का महत्व वही रहे जो 25 साल से रहा है। जम्मू कश्मीर हमारा देश का एक विभाज्य अंग है। अगर चार राज्यों में विधानसभा हो रही है चुनाव और जम्मू कश्मीर को अशांतता और सुरक्षा के कारणों से वहाँ के चुनाव हमने टाल दिए हैं तो उससे हमारी कमज़ोरी दिखती है कि हम जम्मू कश्मीर की जनता को और चुनाव अधिकारियों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सबके साथ उनका चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये कितना उचित है कि पाकिस्तान को सरेंडर कर देना? नहीं, पाकिस्तान को सरेंडर करने की बात नहीं है। कभी कभी इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में पैदा होती है।